वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लेटेस्ट जो एचपी है, एचपी जो कंप्यूटर है उसका मतलब एचपी एक लेटेस्ट जो एलाइट बुक आई है कि वो कैसी है। तो इसमें जो मेरे पास एक एलाइट बुक है एचपी की, बहुत अमेजिंग है उसकी, मतलब वो बहुत लाइट वेट है बिकॉज इट्स अ लाइट बुक। सो अब मैं इसको ऑन करने जा रही हूँ और अब देखते हैं ऑन करके। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एलाइट बुक के ये स्पीकर्स हैं, यहाँ से आवाज़ आती है। तो इट्स सो मच ग्रेट फीचर ऑफ दिस कंप्यूटर। सो अब मैं इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका वेलकम कैसा है। तो एचपी ये बहुत अच्छा है, इसमें इसका जो वेलकम स्क्रीन है वो बहुत अच्छी है। और इसमें अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं, इसमें हर फीचर है। इसमें व्हाट्सएप का भी फीचर है, गूगल का भी, सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं और इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें टच आता है, टच स्क्रीन का ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा हम लोगों को होता है कि बार बार माउस को दबाना पड़ता है या कीबोर्ड, इससे ख़राब भी हो सकते हैं बार बार टच करने से। तो इट्स अ सो मच ग्रेट फीचर कि इसमें टच स्क्रीन का फीचर है। सो इसमें अब देखिए, मैंने यूट्यूब ऑन कर दिया टच से और ये बहुत अच्छा फीचर है टच स्क्रीन का। सो आप इसमें यूट्यूब पे आप लोग जो भी देख सकते हैं आप देखना जा सकते हैं आसानी से। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और वो लग जाएगा। और इससे पहले लैपटॉप्स में ऐसा फीचर नहीं आया है, ये सिर्फ एचपी है जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी एचपी का जो लेटेस्ट मॉडल है लाइट बुक है उसमें ये फीचर है। और ये शायद पाकिस्तान में भी अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ ये मैंने इम्पोर्ट करके ली थी और ये इम्पोर्टेड लैपटॉप है मेरा। इसमें हर चीज़ है, इसमें हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें सारी सेटिंग्स और फीचर्स है। इसमें हम लोग इंटरनेट इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क, बैटरी सेवा, इसमें हम लोग लाइट की जो स्क्रीन लाइट है वो भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अब बहुत से फीचर्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें अब मैंने गूगल ऑन कर लिया है, गूगल में ये मैंने एक अकाउंट लगाया है। इसमें YouTube में देखिए मैं टच करके जा रही हूँ, अब ये मैंने YouTube ऑन कर दिया और इसकी वॉइस देखें कि इसमें बहुत तेज़ वॉइस है। और इसमें देखिए इसमें आवाज़ का भी ऑप्शन है, ज़्यादातर जो स्क्रीन होती है उसी के अंदर आवाज़ का ऑप्शन होता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है उसकी जो कीबोर्ड है कीबोर्ड के अंदर भी वॉइस का ऑप्शन बटन लगे हुए हैं। तो एक बटन है जिससे मैं बिल्कुल ही साइलेंट कर देती हूँ आवाज़ को, और एक बटन है जिससे हम लोग आहिस्ता कर सकते हैं आवाज़, और एक बटन दिया हुआ है जिसमें तेज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है ये लाइट बुक का, बहुत प्यारा माशाल्लाह से बना हुआ है। सो अब मैंने ये हटा दिया है और मैं आपको अब बताऊँगी, ये शायद हट रही है, ये मैंने हटा दिया। अब इसमें मैं जा रही हूँ यहाँ पेंट के ऑप्शन पर। तो जब मैं पेंट, ये देखिए बस ये मैंने हटा दी, ये हट रही नहीं है पता नहीं क्यों, तो अब हट गया है। सो अब मैं यहाँ जाऊँगी, क्लिक करूँगी और यहाँ पे 3D पेंट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सारी कैमरा कैलकुलेटर वगैरह भी है, यहाँ पे इसमें बहुत फीचर्स हैं। तब मैं क्या 3D पेंट पे जाऊँगी और फिर मैं दिखाऊँगी। सो ये जहाँ वो ऐप है सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू है। मतलब ये बहुत अच्छा कंप्यूटर है और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यही लें। सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख रुपीज़ का होगा, और 1 लाख का होगा। और ये मैंने एक मार्केट से लिया था, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी उस मार्केट की लोकेशन। सो उसने हमें ज़रा सा प्राइस कम करके 1,10,000 का दिया था, लेकिन इसमें बहुत फीचर्स हैं और आप इसमें अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत से फीचर्स हैं इसमें, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे अब मैं 3D पेंट पे आई हूँ, 3D पेंट पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से, वरना जो बच्चे हैं मतलब जो ग्रोन एज मतलब जो किड्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है पेंट करने में कीबोर्ड से। तो इसमें बहुत अच्छा फीचर है ये पेंट करने का, हम लोग अपने हाथों से ख़ुद से ही पेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये ब्रश का ऑप्शन लगाया है, इरेज का भी लगाया है, सारा कुछ टच से हो रहा है। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यही प्लीज़ लें कंप्यूटर,
क्योंकि ये बहुत अच्छा है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि टच स्क्रीन वाला है। तो आजकल आप लोग खुद सोचें कि टच स्क्रीन वाला कंप्यूटर आजकल कौन देता है, और आज जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनमें से कोई भी टच स्क्रीन वाला नहीं होगा, सिर्फ ये HP है जो हमें लेटेस्ट जो HP का जो जनरेशन आई है उसमें ही टच स्क्रीन वाला है। सो ये मैंने अब रीस्टार्ट, इसमें रीस्टार्ट का, शट डाउन का, पावर ऑफ का बहुत से ऑप्शन है इसमें। तो ये मैंने रीस्टार्ट कर रही हूँ। मैं इतना प्यारा इसका HP का लोगो बना हुआ है, शाइनिंग लोगो है। पीछे से देखें, इसका पीछे भी स्पीकर है और स्क्रीन के आगे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जो डिज़ाइन बना हुआ था उसमें भी बहुत प्यारा सी स्पीकर लगा हुआ है। और उसकी आप लेंथ देखें कितना, मतलब ये थिन का ये क्या बुक है और ये बहुत अच्छी है। इसमें देखिए, इसमें लाइट्स भी आते हैं जब ये ऑफ होता है तो, और इसमें देखें इसका लोगो कितना शाइन कर रहा है। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, आज के लिए इतना ही, बाय।